नमस्कार। भगवान शिव के संदर्भ में पुनः आज चर्चा करेंगे। शिव भारत की अखंडता के दिव्य प्रतीक हैं। वे देश का भला सोचने वालों के लिए, एकात्म चाहने वालों के लिए शिवंकर हैं। वो सांप्रदायिक द्रोह और वैमनस्य फैलाने वालों के लिए प्रलयंकर हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, शिव का विवाह हो रहा था। चराचर जगत के सभी प्राणी उसमें सम्मिलित हुए। ऐसा जमावड़ा हुआ शिव और पार्वती के विवाह में, भूतगणों, देवों, असुरों और समस्त संसार के मनुष्यों का, कि धरती उसके भार से दबने लगी। धरती का जो उत्तर का छोर था वो दबने लगा, क्योंकि विवाह तो हिमाचल पर्वत पर हुआ, तो यह जो उत्तर का क्षेत्र है, यह उनके विवाह में उपस्थित होने वाले वर यात्रियों के भार से दबने लगा। और जो दक्षिण का कोना धरती का है वह ऊपर उठ गया। इस प्रकार से गाड़ी जिस तरह से उलार हो जाती है, उल्टी हो जाती है, उस स्थिति में धरती हो गई। जैसे एयरक्राफ्ट को, विमान को हम देखते हैं टेक ऑफ करते हुए या लैंडिंग करते हुए, कि उसका या तो आगे का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और लैंडिंग करते समय उसका आगे का हिस्सा नीचे चला जाता है। तो धरती का उत्तर का छोर दब गया, नीचे झुका, और दक्षिण का उसका कोना ऊपर उठ गया। मनुष्यों को तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। धरती घूम रही है अपनी धुरी पर, उसके साथ साथ वह सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। यह तो वैज्ञानिक सत्य है, इसको आर्यभट्ट भी बताते हैं, हमारे ज्योतिष ज्योतिर्विद भी बताते हैं। लेकिन हमें इससे क्या अंतर पड़ता है, हम तो इसको स्थिर मान करके अपने अपने घर में आनंद से बैठे हैं। तो धरती का एक हिस्सा दब गया, नीचे झुक गया, एक ऊपर उड़ गया, इससे संसार के मनुष्यों को अंतर नहीं पड़ता। देवताओं को अंतर पड़ता है, क्योंकि वो आकाश से देख रहे हैं कि धरती का संतुलन बिगड़ गया है। हम लोग धरती का संतुलन बिगाड़ते रहते हैं, पर्यावरण नष्ट करते रहते हैं, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं होती। जो देव शक्तियां हैं वो उससे आहत होती हैं, देवत्व भी नष्ट होता है, देवता चिंता करते हैं। तो जब जब धरती का पर्यावरण बिगड़ता है, असंतुलन पैदा होता है, तो देवता पुकार लगाते हैं भगवान विष्णु के पास जाकर के, कि धरती का संतुलन डगमगा गया। तो उन्होंने देखा कि धरती दक्षिण की तरफ से ऊपर उठ गई, उत्तर की तरफ से दबी हुई है, नीचे झुक गई है। तो विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि धरती की तो स्थिति ऐसी है, कुछ डामाडोल सी लग रही है। तो विष्णु ने कहा कि ये तो मामूली सी बात है, इसमें इसको अगस्त्य ही ठीक कर देंगे, अगस्त्य के पास जाकर के कह दो। अगस्त्य दक्षिण में ही निवास कर रहे थे, तो आसानी से पहुंच सकते थे उस कोने तक जो कि ऊपर उठ गया है। और अगस्त के बारे में जैसा कि हम सब कथाओं में जानते हैं कि उन्होंने तो विंध्याचल को ही चपटा कर दिया था। विंध्याचल से उन्होंने कहा कि भाई तुम प्रणाम की मुद्रा में मेरे आगे झुके हुए हो, तो ऐसे ही झुके रहना जब तक कि मैं ना लौटूं। तो विंध्याचल वैसा का वैसा ही झुका रह गया, और अगस्त्य को उत्तर से दक्षिण जाना था, वो दक्षिण की तरफ चले गए, वापस लौट करके नहीं आए, क्योंकि विंध्याचल इतना ऊंचा होता चला जा रहा था कि सूरज ही उसको नहीं लांग पा रहा था। तो फिर देवताओं ने गुहार की कि इसको कौन सुधारेगा। तो विष्णु ने कहा कि अगस्त्य इसको ठीक कर सकते हैं। तो जिस अगस्त्य ने अपने आदेश से विंध्याचल को प्रणत कर दिया, कि झुका तो झुका ही रह गया, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के बीच में उनको सेतु बनाना था, उत्तर की संस्कृति को दक्षिण की संस्कृति से मिलाना था, तो वे ही अगस्त्य इस सारे असंतुलन को भी दूर कर सकते थे। तो देवताओं ने उनसे कहा, अगस्त्य दक्षिण के उस कोने तक पहुंचे, उन्होंने उसको दबाया और ठीक कर दिया, धरती फिर से समतल हो गई, समान दिखाई देने लग गई देवताओं को। अब अगस्त्य जब दक्षिण के उस कोने तक पहुंचे,
दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का कह सकते हैं, या हमारे देश को पृथ्वी मानते थे क्योंकि पुराणों में, तो जो सुदूर दक्षिण का हिस्सा है केरल का, वहां उन्होंने देखा कि एक वैष्णव मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि चलो वैष्णव मंदिर है, दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन करने के लिए अंदर जाने लगे, मंदिर के जो पूजक थे, पुजारी थे, उन्होंने उनको रोक दिया क्योंकि उनके माथे पर त्रिपुंड था। तो उन्होंने कहा कि आप भी दर्शन करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकते, आप शिव के उपासक हैं, आपने त्रिपुंड लगा रखा है। त्रिपुंड जो है तीन पैरेलल पंक्तियां इस तरह से भस्म की बनाई जाती हैं, तो वह शिव का तिलक है, शिव का प्रतीक है। तो शिव भक्त होने के कारण अगस्त्य को कहा गया कि आप इसमें, आपकी एंट्री नहीं हो सकती है, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगस्त्य ने अपनी योग माया से उस त्रिपुंड को वैष्णव तिलक में बदल दिया। वैष्णव तिलक यू शेप का होता है, अंग्रेजी के यू के आकार का होता है। तो वह त्रिपुंड जो है वैष्णव तिलक में परिवर्तित हो गया। और उन्होंने पुजारियों से कहा कि देखिए कहाँ है, मेरे माथे पर त्रिपुंड नहीं है, ये वैष्णव तिलक ही है, आपने ठीक से नहीं देखा। तो पुजारियों ने कहा कि ठीक है आप जाइए, आपने वैष्णव तिलक लगा रखा है। तो अगस्त्य भीतर चले गए। भीतर जाकर के वो जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख, तो वह प्रतिमा शिव की प्रतिमा में परिवर्तित हो गई। पूजक लोग, पुजारी लोग देखते रह गए कि क्या हो गया, अभी ये विष्णु थे और ये शिव में परिवर्तित हो गए। ये कथा स्कंद पुराण ने बताने के लिए लिखी है कि जो लोग भेद देखते हैं, भेद बुद्धि से संप्रदायों में विभाजन करते रहते हैं और द्रोह पैदा करते हैं, वे शिव के उपासक और पूजक हैं ही नहीं, ये तो सब पाखंडी ही हैं। शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदायों में कितना झगड़ा होता रहा है, कितना कलह होता रहा है, सब सत्ता के लालच में। राजा जो है हमारे वश में रहे और हमारा कहा सुनता रहे, इसके चक्कर में शिव की महिमा का बखान करते हुए विष्णु की महिमा को ध्वस्त करेंगे और अपना महात्म्य वर्धन करेंगे, तो एक सत्ता उनके हाथ में आएगी। विष्णु की महिमा का बखान करते हुए शिव की महिमा को नीचे गिराएंगे और राजा को कन्विंस करेंगे कि विष्णु ही सर्वोच्च हैं। तो ये जो सत्ता का खेल है जिसमें कि धर्म को जोड़ लिया जाता है, और यही आज भी हो रहा है, पुराने जमाने में भी खूब होता था और दंगे हुए हैं वैष्णव और शिव संप्रदाय के लोगों में। शिव जो है तांडव कर देते हैं, ऐसे पाखंडियों का नाश करने के लिए शिव तांडव करते हैं। तो तांडव यदि यही चलता रहा, अभी भी चल रहा है यही सब पाखंड, तो शिव तांडव कर सकते हैं। जो अत्यंत मृदु हैं, कोमल हृदय के हैं, वो लास्य भी करते हैं। सुकुमार नर्तन जो शिव का है वही लास्य कहा जाता है। लास्य भी पार्वती को उन्होंने सिखाया और तांडव भी उन्होंने तंडु को सिखाया, वो आद्य कला गुरु हैं। तो दोनों ही तरह से नर्तन कर सकते हैं। जो पूरी धरती का घूमना है, पूरी वैश्विक संरचना में जो निरंतर उलट पुलट हो रही है, वही शिव का नर्तन है। तो शिव तो दोनों ही तरह से नर्तन कर सकते हैं, मंगलमय भी हो सकते हैं और प्रलयंकर भी हो सकते हैं। किस तरह के शिव की आराधना और किस तरह के शिव का आह्वान हमको करना है, ये तो हमारे ऊपर है। मूलतः शिव जो है वह मंगल के, कल्याण के देवता हैं, वे प्रतीक बन जाते हैं विभिन्न संप्रदायों में अभिन्नता की स्थापना के। और पुराणों में इसीलिए शिव को जितने भी धार्मिक मत हैं, उन मतभेदों को दूर करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनाया गया। वे इस महादेश की महाचेतना के प्रतीक हैं, वे इस महादेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक अखंडता के भी दिव्य प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे जो मुनि थे, पुराणकार थे, उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों की परिकल्पना की। देश के अलग अलग 12 स्थानों पर शिवलिंग हैं, वो दिव्य शिवलिंग हैं, ये ज्योतिर्लिंग हैं। और ये उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए, यह बताने के लिए कि शिव सारे देश में परिव्याप्त हैं। इस देश की सारी धरती पर शिव का गौरव उपस्थित है। पुराणों में 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना इस प्रकार की गई है।
सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च। इसका पाठांतर भी मिलता है, चिता भूमौ वैद्यनाथम डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका स्मरण करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, यह भी उसके आगे कहा गया। पहला जो शिवलिंग है वो सौराष्ट्र में सोमनाथ, सभी जानते हैं सोमनाथ का मंदिर। ये पश्चिम की तरफ हो गया, काठियावाड़ का जो क्षेत्र है गुजरात में। दूसरा श्री शैले मल्लिकार्जुनम, यह श्री शैल पर मल्लिकार्जुन प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थल है, आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिले में यह है। तीसरा उज्जैनी में महाकाल है, वह भी प्रसिद्ध है। यहाँ केंद्र में आ गए श्री शैल मल्लिकार्जुन, यह दक्षिण में गए, फिर से केंद्र में आ जाते हैं उज्जैनी में महाकाल। और चौथा जो है ओंकारम, यह भी मध्य क्षेत्र में है भारत के, खंडवा के निकट नर्मदा नदी के द्वीप में ओंकारेश्वर का मंदिर है, उसमें ज्योतिर्लिंग है। पांचवा परल्याम वैद्यनाथम च, महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर जो नासिक जिले में दौलताबाद के निकट है, उसको घुष्मेश्वर भी कहते हैं और कृष्णेश्वर भी कहते हैं, वो पांचवा है। और उसका पाठांतर जो मिलता है तदनुसार, चिता भूमो वैद्यनाथम, चिता भूमि में वैद्यनाथ है, वह झारखंड के संथाल परगने में जसीडीह स्टेशन के पास वैद्यनाथ धाम, वह भी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। दोनों वैकल्पिक माने गए, इसलिए दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं, जिसकी जहां जैसी श्रद्धा हो, लेकिन 12 ही दिखाना है, 13 तो करना नहीं है, इसलिए 12 की परिगणना में एक विकल्प रखा गया। और छठा जो है डाकिन्याम भीमशंकरम, डाकिनी नामक स्थान में सह्याद्री पर्वत पर भीमशंकर है। सातवां सेतुबंध, पुनः सुदूर दक्षिण में जाते हुए रामेश्वर, वहां पर शिवलिंग है। आठवां नागेशम दारुकावने, दारुकावन है द्वारका में, तो यहाँ फिर पश्चिम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। वाराणस्याम तो विश्वेशम, वाराणसी में विश्वनाथ। दसवां त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतमी नदी के किनारे पर त्र्यंबकेश्वर, यह भी महाराष्ट्र में। हिमालये तु कैदारम, हिमालये तु केदारम, हिमालय पर्वत पर मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ धाम है, यह भी प्रसिद्ध है, यह बहुत उत्तर में चले गए। और कृष्णेशम च शिवालय, और कृष्णेश्वर यह जो है वह महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर नामक स्थान पर है। तो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो पश्चिमी विद्वान हैं, पश्चिम के या यूरोप के पश्चिमी देशों के जो विद्वान हैं, संस्कृतविद हैं या भारतीय विद्या का अध्ययन करने वाले बाहर के विद्वान हैं, उनकी यह धारणा रही है कि शिव अनार्य जातियों के, आर्यतर जातियों के देवता रहे हैं, जिनको बाद में सम्मिलित कर लिया गया हमारे पौराणिक धर्म में, उनको स्थान दिया गया। वैदिक देव मंडल में तो शिव हैं ही नहीं, रुद्र हैं, तो रुद्र और शिव को फिर एक कर दिया गया, तो यह एक तरह से एप्रोप्रिएशन किया गया है, ऐसी उनकी व्याख्या है। और पुराणों में आकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश की यह जो त्रिदेव की परिकल्पना की गई वह परवर्ती उन्होंने मानी। पर यह जो एक शिव को प्रतीक बनाया गया एक बहुत बड़े सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में, उसमें इस प्रकार की सारी भेद बुद्धियां निरस्त कर दी गई हैं, क्योंकि शिव का निवास तो हिमालय पर है, कैलाश पर्वत पर है, और पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि वो आर्यतर जातियां दक्षिण में रहती रहीं, आर्य लोग बाहर से आए, उत्तर की तरफ पहले आए, तो यदि उनका निवास कैलाश पर्वत पर है तो दक्षिण में निवासियों ने उनकी परिकल्पना कैसे की होगी, जहां पर आर्य निवास कर रहे हैं कथित रूप से। तो चाहे दक्षिण की परंपरा हो चाहे उत्तर की, शिव का निवास तो कैलाश पर्वत पर है,
इसलिए विभाजनवादी से देखना उचित नहीं लगता कि शिव इनके हैं और उनके नहीं हैं। शिव सभी के देवता हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य में, पुराणों में, आगमों में जैसी प्रतिष्ठा शिव की है, तमिल साहित्य में और तमिल संस्कृति में भी वैसी ही प्रतिष्ठा उनकी है। शैवागम और शैव दर्शन, इन दोनों की उद्गम स्थली तो कश्मीर रही है, जिसको कि आर्यभूमि और शारदा देश कहा गया। और शैव दर्शन के आदि गुरु त्र्यंबकेश्वर थे, त्र्यंबक थे, जिनकी दसवीं पीढ़ी में सोमानंद हुए, फिर वसुगुप्त हुए, कल्लट हुए, उत्पलदेव हुए, लक्ष्मण गुप्त हुए, अभिनवगुप्त जैसे महान आचार्य 11वीं शताब्दी में हुए। सबसे बड़े आचार्यों की, शैव शास्त्र के गुरुओं की और महान विचारकों की परंपरा कश्मीर में हुई। तो दक्षिण में ही, दक्षिण की संस्कृति से ही उनको जोड़ा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पुराणों में, संस्कृत वाङ्मय में शिव का इतना महात्म्य वर्णित है, तमिल संस्कृति में और तमिल वाङ्मय में भी उतना ही उनका महात्म्य है। उच्चारण की दृष्टि से कहीं चिवन चिवन ऐसा उच्चारण हो जाता है शिवन के स्थान पर, और चिवन का ऐसा तमिल भाषा में बताया गया कि लाल रंग है, और नील लोहित शिव हैं, तो लोहित वर्ण का संबंध उनसे है। चंबू भी कहते हैं, चंबू इस तरह का शकार, तालब शकार और चकार का उच्चारण कुछ मिलता जुलता हो जाता है तमिल में आकर के, इसलिए इस तरह का उच्चारण। तो नाम भेद से कहीं कहीं कहने लग गए कि शिव अलग है और हमारे चंबू अलग हैं और चिवन अलग हैं। तो यह तो उच्चारण भेद है। नील लोहित शिव की तमिल संस्कृति में भी आराधना है। तमिल महाकाव्य जो कि जिस प्रकार से हमारी परंपरा में, पूरे देश की परंपरा में रामायण और महाभारत का महत्व है, वैसा ही महत्व सिलप्पदिकारम महाकाव्य का है। एक महान रचना है प्राचीन तमिल भाषा की, वह भी हमारी जातीय धरोहर है रामायण और महाभारत की तरह। इस महाकाव्य में शिव मंदिरों और शिव प्रतिमाओं की पूजा के वर्णन बहुत आते हैं, और इसका नायक कोलन अपनी पत्नी कन्नगी के साथ जब पुंपुहार या पुहार नगरी से मदुराई जाता है, तो मार्ग में उसे एक ब्राह्मण मिलता है जो पंचाक्षर मंत्र जप करने का उपदेश इस दंपति को देता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का वह उपदेश देता है। दोनों दंपति शिवानी या शिव के नारी रूप का दर्शन करते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, कपाल पर तीसरा नेत्र है, और हालाहल पान से उनका कंठ नील वर्ण का है, इसलिए नील लोहित वो कहे जाते हैं। उनके कंठ में वासुकी नाग है और गजचर्म उन्होंने धारण कर रखा है। ये जो पूरे शिव का स्वरूप है, उसका दर्शन ये दंपति करते हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और एक दानव के शव पर खड़े हुए हैं, नारी रूप में शिव। यह वर्णन उस महाकाव्य में प्राप्त होता है। तो यह जो अर्ध नारीश्वर रूप है शिव का, यह भी समान रूप से सारी परंपराओं में वर्णित मिलता है, उत्तर की हो या दक्षिण की। तो शिव इस एकात्म के देवता बन जाते हैं, जो कि संस्कृतियों के बीच में जो दीवारें खड़ी की जाती हैं उनको निरस्त करते हैं। महाकवि नीलकंठ दीक्षित 17वीं शताब्दी के बड़े कवि हैं संस्कृत के। उन्होंने शिव लीलार्णव महाकाव्य लिखा है, उसमें शिव की लीलाओं का अत्यंत अद्भुत रसमय वर्णन उन्होंने किया है। अनुश्रुति है इस महाकाव्य के अनुसार कि भगवान शिव ने तांडवंश के राजा सुंदर पांड्य के रूप में अवतार लिया और विविध लीलाएं की, और उनका तथा पार्वती के मलयध्वज कन्या के रूप में अवतरण का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। तो जितनी लोक कथाएं शिव को लेकर के चल पड़ी, उन सब का यह बहुत ही अच्छा खजाना है यह महाकाव्य। और तटात का जो मलयध्वज कन्या है, वो दिग्विजय करती हुई कैलाश तक जा पहुंचती है। तो यह जो एक परिकल्पना है एक स्त्री तत्व की और उसके दिग्विजय की, पार्वती भी अपने तपोबल से अर्जित करती हैं शिव के प्रेम को और शिव को वर के रूप में प्राप्त करती हैं। उसी तरह से तटात का जो पार्वती का रूप है, वह भी अपने वीरता से, शौर्य से दिग्विजय करती हुई कैलाश तक जा पहुंचती है, और उसका शिव से संग्राम होता है और शिव प्रसन्न होकर के फिर उससे विवाह करते हैं।
और विवाह के पश्चात यही शिव पांडे देव के नाम से विख्यात हो जाते हैं। तो पूरे उत्तर से दक्षिण तक शिव जिस प्रकार से देश की संस्कृति के प्राण बन जाते हैं, यह हम देखते हैं, क्योंकि शिव मूलतः प्रेममय हैं और किसी देवता ने इतना प्रेम नहीं किया जितना कि शिव ने किया। प्रेम ही उनका स्वरूप है, अपनी प्रिया से और अपने आराधकों से जितना प्रेम उन्होंने किया वह सर्वोपरि है। पूरे देव मंडल में हम देखते हैं दक्ष जब शिव की निंदा करते हैं तो सुनकर क्रोध से सती जो शिव की पत्नी है वे उन लोगों की भर्त्सना करते हुए जो यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड के नाम पर शिव का विरोध कर रहे हैं वे उसका विरोध करती हुई यज्ञ की अग्नि में ही कूद करके अपना देह जला देती हैं, विसर्जित कर देती हैं अपनी काया को। और यज्ञ मंडप में हाहाकार मच जाता है, देवता उठ करके खड़े हो जाते हैं। सती के साथ शिव के भेजे हुए जो शिवगण आए वीरभद्र और उसके साथ ही वे झपट कर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो देवी भागवत में इसके आगे की कथा बताते हुए कहा गया कि शिव अत्यंत ही कुपित हुए, जैसे ही उनको यह समाचार मिला कि सती ने अपने देह को विसर्जित कर दिया है, आत्मदाह कर दिया है, उन्होंने एक जटा उखाड़ कर धरती पर पकड़ी जिससे वीरभद्र भद्रकाली का जन्म हुआ। दोनों ने यज्ञ का विध्वंस किया, यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई और सब देवता ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। दक्ष का मस्तक काट करके उन्होंने फेंक दिया। शिव यज्ञस्थली जो कनखल थी वहां जा पहुंचे और सती को का जो जला हुआ देह है उसको देख करके आपा खो बैठे और अपनी प्रिया को कंधे पर उठा करके बावले होकर के सारे देश में भटकने लगे, घूमने लगे। संसार में तहलका मच गया, संसार स्तब्ध रह गया, पवन रुक गया, लोगों की सांसें अटकी रह गईं, क्योंकि शिव तो प्राण हैं, वे इस तरह से हो जाएंगे तो सृष्टि थम जाएगी। तब सृष्टि के पालक भगवान शिव ने शिव का यह जो प्रेम में सुध-बुध खो देना है इसको दूर करने के लिए, उन्हें आपे में लाने के लिए एक एक अंग सती की काया से काटना शुरू किया। जहां जहां वो सती के कटे हुए अंग गिरते वो सब तीर्थ स्थल बनते गए और पूरी सती की काया जब विसर्जित कर दी गई तब शिव पुनः स्वस्थ हुए, वे अपने आप में आ गए, सृष्टि फिर सुचारू रूप से चलने लगी। 51 स्थानों पर सती की काया से वे अंग कट कट कर गिरे, वे शक्तिपीठ माने गए। वाराणसी, नैमिषारण्य, प्रयाग, गंधमादन पर्वत, दक्षिण कैलाश, उत्तर कैलाश जैसे सुदूर उत्तर के क्षेत्रों से लगाकर हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, मलयाचल, एकाम्रपीठ, पुष्कर, कालंजर, गया, विपाशा, पुरुषोत्तम, द्वारावती, वृंदावन, मथुरा, महाकाल, अमरकंटक, सोमेश्वर, प्रभास, इन सब स्थानों पर घूमती हुई है शक्ति पीठ की जो परंपरा है, तो उसमें शिव और शक्ति दोनों की परिव्याप्ति इस सारे अखंड महादेश की चेतना में हम देखते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समेट लेती है। शिव कलाओं के भी आदि गुरु हैं, वे नटराज हैं, वे नृत्य कला के परम गुरु हैं। व्याकरण शास्त्र में बताया गया कि शिव के डमरू के निनाद से ही प्रत्याहार सूत्र निकले और उन्हीं से सारा व्याकरण बना। योग में योग के भी प्रवर्तक वे हैं, वे महायोगी भी हैं, और जितनी कलाएं हैं उन सभी के आकर ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में शिव को ही आद्य देवता माना गया, प्रवर्तक देवता माना गया। हमारे साहित्य में, संस्कृति में, धर्म में, सभी में शिव अनुस्यूत है, क्योंकि शिव तत्व के बिना सृष्टि नहीं होती है। जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, वे नहीं होते हैं। इसलिए शिव इस महादेश की अखंड चेतना के दिव्य प्रतीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।